दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको पता चलेगा कि एक स्त्री, एक नारी, एक औरत किस हद तक जा सकती है, जिसके बारे में आपने शायद परिकल्पना भी नहीं की होगी। हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड जाके भी कोई इस हद तक जा सकती है, जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको 3 बार सोचना पड़ेगा कि आज की डेट में सच में हम सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। दोस्तों जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये संभल में एक जगह है गुन्नौर। इस गुन्नौर में एक प्राथमिक विद्यालय होता है। प्राथमिक विद्यालय आप समझते होंगे कि 5वीं तक के स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको पढ़ाना जो होता है टीचर्स की मेन ड्यूटी होती है। यहाँ के प्रधानाध्यापक का नाम है एनडी शर्मा, नरेंद्र दत्त शर्मा। प्रधानाचार्य जी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा उम्र के हैं, ये लगभग 57-58 साल की इसमें उम्र है। और इनके स्कूल में, इनकी अगुवाई में एक लड़की ने लगभग 1.5 साल पहले शिक्षा बतौर शिक्षा विद के रूप में इन्होंने इनके विद्यालय को ज्वाइन किया और अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाना शुरू करती है। हालांकि जब ये लड़की ने ज्वाइन किया एक अध्यापक के रूप में, सब कुछ सही चल रहा था। उसके हाव भाव, बात करने का तरीका, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, काम करने का तरीका, सब कुछ सही था। टीचर से ही नहीं, बच्चों से भी उसका बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल था। और इस सिलसिले में, अपने इस पोलाइटनेस के चक्कर में, अपने इस मीठी जुबान के चक्कर में, वो सबकी चहेती बन जाती है। और चहेती इस हद तक कि स्कूल के 2 अलग अलग टीचरों से उसकी दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। स्कूल में लगभग सबको पता चलता है कि इनके बीच में रिश्ता क्या है, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानने के बावजूद भी जो और 2 मर्द टीचर होते हैं, वो एक दूसरे से कभी कन्फर्म नहीं करते कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या संबंध है। ये वाक्य चलता रहता है। और एक जो सबसे एक टीचर और बचता है जिसके साथ इस लड़की का कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, 6 अक्टूबर की बात है, कि लड़की अपने प्रधानाध्यापक से बोलती है, एनडी शर्मा जी से, कि सर मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अब प्रिंसिपल साहब काफ़ी ज़्यादा उम्र के थे, काइंडनेस थी इनके अंदर, दयावान विचार थे, इन्होंने छुट्टी प्रोवाइड कर दी कि बेटा आप जाओ, छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं है। जिस दिन ये लड़की जाती है छुट्टी पे, उसके अगले दिन वो तीसरा टीचर, जिसके साथ इस लड़की का कोई लेना देना नहीं था, वो भी छुट्टी लेता है, वो भी अगले 4 दिन के लिए छुट्टी पे चला जाता है। अब ये दोनों लोग अपने स्कूल से गायब हो जाते हैं 4 दिन के लिए। किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन कहाँ गया है। लोगों को यही लगता है कि ये दोनों लोग अपने अलग अलग काम से अलग अलग टारगेट लेके गए हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है आपको बता रहा हूँ। दरअसल जब ये लोग जाते हैं, पता नहीं क्यों इस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ होता है, और एक दिन इसके स्कूल में एनडी शर्मा जी के पास कॉल आती है कि मैं इस लड़की का हस्बैंड बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी का फ़ोन नहीं लग रहा पिछले 2 दिनों से, वो कहाँ है। अंत में एनडी शर्मा जी ने बोला कि कौन सा पति, उस लड़की की तो शादी हुई नहीं है। इस हस्बैंड ने बोला, कैसी बातें कर रहे हो, लड़की मेरी फला जगह पर टीचर है, आप इसी स्कूल से बोल रहे हो, इसी जगह से, गुन्नौर से बोल रहे हो। एनडी शर्मा जी ने बोला, जी बिल्कुल मैं गुन्नौर से बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, हालांकि आपकी जो, अगर आप, वो आपकी पत्नी है तो आप स्कूल में आइए, साबित कीजिए। हालांकि हमने उसे 4 दिन की छुट्टी दी है, उसने छुट्टी बोल के ये गई है कि अपने घर पर जा रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, वहाँ 4 दिन आराम करूँगी और वापस आऊँगी। पति कहता है, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे घर पर आई नहीं है। पति जो रहता है हड़बड़ाहट में फटाफट से वहाँ से आता है और स्कूल पहुँच जाता है, क्योंकि जो टीचर होती है उसका घर वहाँ से काफ़ी दूर होता है, और लगभग वहाँ से आने जाने में लगभग 3-4 घंटे का ड्यूरेशन टाइम लगता है। हर हफ्ते जब छुट्टी होती थी तो अपनी पति के पास चली जाती थी। और जब पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी 4 दिन से वहाँ से लापता है, तो पति फटाफट से घबरा के वहाँ आता है और स्कूल में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो पहली चीज़ तो स्कूल वालों को पता ही नहीं था कि जो लड़की है ये शादीशुदा है। जब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ये लोग जाते हैं, जिनका यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, इनका नाम है विपिन प्रताप सिंह, के पास जाते हैं जब, यहाँ पे इन्होंने पूरी जानकारी दी, वहाँ पे इस घटना की जानकारी देने के बाद FIR लॉन्च की। तो विपिन प्रताप सिंह ने जब इस घटना के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि इस लड़की का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ था, लेकिन उस टीचर का भी एक शक के दायरे में लेकर, जो दूसरा टीचर छुट्टी पे गया था, उसके बाद जब फ़ोन किया और पूछा कि मैं फला जगह से पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, तुम्हारी लोकेशन एक ही दिखा रही है, तुम्हारे पास ये लड़की है क्या, और तुरंत टीचर बोलता है कि हाँ, हम लोग कहीं घूमने आए हैं, हम लोग 4 दिन की छुट्टी लेके आए हैं, हम लोग एक ही साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आके आपको सब कुछ बता दूंगा, आपको इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ें साफ होने शुरू हो जाती हैं कि इन दोनों के पास हो क्या रहा था। हालांकि हस्बैंड जिद पे अड़ जाता है कि मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी चाहिए कि इन दोनों के बीच में है क्या, इसकी CDR निकाली जाए। जब CDR निकाली जाती है तो पता चलता है इस केस में कि इस लड़की का
उन तीनों टीचर के साथ कंटिन्यूस बहुत लंबी लंबी बातचीत चलती थी, घंटों घंटे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग चलती थी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि दो अलग अलग टीचर्स को, जो पहले वाले टीचर्स थे उनको पता था कि ये लड़की उसकी भी प्रेमिका है, वो लड़की दूसरे वाले की भी प्रेमिका है, और अभी ये 4 दिन की छुट्टी पर तीसरे वाले टीचर के साथ चली गई थी, जबकि स्कूल में किसी को नहीं पता था कि ये लड़की शादीशुदा भी है। यानी पति एक तरफ, तीनों टीचर एक तरफ। आप सोचिए कि इस ऐसी घटनाओं में क्या कहें, ऐसी सोच को क्या कहें। अब सवाल ये उठता है कि किस पे विश्वास किया जाए, किस पे विश्वास ना किया जाए। एक पति जो अपने विश्वास पे ये कह के छोड़ देता है कि जाओ पढ़ाओ, पढ़ा के हर हफ्ते घर पे आ जाना, या एक साथ रहेंगे, 2 दिन टाइम स्पेंड करेंगे, और वही औरत अपने एक मासूम पति को छोड़ के किस तरीके का वाक्या यहाँ पे खिला रही है, आप खुद ही सोच सकते हैं। दोस्तों आज का जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इस समय सोचने वाला हो गया है, क्योंकि किसी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास करना बहुत ही बड़ी गलती वाली बात होगी। दरअसल जब ये पुलिस स्टेशन से डिटेल यहाँ पे आई है, आने के बाद जब स्कूल में बवाल हुआ है, तो जो तीसरा वाला टीचर था उसने पहले वाले टीचर पे ताबड़तोड़ हमला किया है, क्योंकि पहले वाले टीचर ने बोला था कि मेरी प्रेमिका है और इसको हाथ लगाओगे तो हाथ काट दूंगा। ये सब लफड़ा होता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में FIR में रिपोर्ट दर्ज होती है। FIR में B196/6 में अगर आप केस को नोट करेंगे गुन्नौर में, तो आपके सारी की सारी घटनाएं आपको पता चल जाएंगी। पुलिस जो रिपोर्ट आती है उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी पर आँख बंद करके विश्वास ना करें, अपने आँख और कान खुले रखें, अपनों का ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। वैसे लोग सड़क पे खुलेआम घूर रहे हैं, उनकी निगाह हर उस घर पे है, हर उस जगह पे है, बस उनको मौका मिलने की देर है, और उनको मौका बिल्कुल नहीं देना है। उनको उनकी जो मानसिकता है उस पर लगाम लगाना है। मेरा भी इंटेंशन ये है कि आप सबके बीच में जागरूकता पैदा करता रहूं। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके बीच में रोज़ एक नई वीडियो ला के आप सबको थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करता रहूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।